गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं एमएम आलम और आप फिर से एक बार साथ हैं हमारे एजुकेशन मैनिया चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे किस तरीके से 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। कंटेंट याद होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं और नहीं देने पर 10-15 नंबर आसानी से खो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है आपका हैंडराइटिंग। आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और साथ में नीटनेस मेंटेन करना है। उसके बाद हम लोग अगर चलते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है आपके रीडिंग सेक्शन का। तो रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का टेक्निक पहले जान लीजिए, उससे क्या होगा कि आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, पहली बार आप क्विक रीडिंग दें कॉम्प्रिहेंशन का। क्विक रीडिंग के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर्स को ग्लैंस करें, देखें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिर तुरंत स्लो रीडिंग दीजिए। हाथ में पेंसिल होना चाहिए आपको। कहीं पर अगर यदि शक पर ये क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है, ये गिवन लाइन, तो आप उस लाइन को वहीं पर अंडरलाइन कर दें और फिर आगे बढ़ते चले। स्लो रीडिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढते हुए उसे अंडरलाइन कर लेना है। और थर्ड फेज में आपको ये करना है कि जो आंसर्स आपको मिल गए हैं आप उसे अपने शब्दों में कंप्रीहेंड करके लिखें। उसी लाइन को एकदम सेम टू सेम उतार देने पर आपको हो सकता है कि एक भी नंबर ना मिले, या अगर एग्जामिनर आपके ऊपर तरस खा गए तो हो सकता है आपको आधा नंबर एक नंबर दे दें। पर आप उम्मीद मत ही रखिए, तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए अपने लैंग्वेज में उसे कंप्रीहेंड करके लिखना, वो ज़्यादा मार्क्स आपको फेच कर सकता है। सेकेंड वन, राइटिंग सेक्शन में अगर नंबर लाना है तो ये जान लीजिए कि राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट्स के नंबर होते हैं। और अगर हम लोग फॉर्मेट पे सही से ध्यान दें तो 2-2.5 नंबर इजली हमें फॉर्मेट से मिल सकता है। आउटलाइन करने के लिए आप पेंसिल का यूज़ करें। जैसे अगर मान लीजिए डायरी एंट्री लिख रहे हैं, ईमेल राइटिंग लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हमें जो आउटलाइंस करने पड़ते हैं उसके लिए हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे ताकि खूबसूरत लग सके। बिना डिज़ाइन किए, बिना कोई फिगर बनाए कॉपी को खूबसूरत बनाना, ये अपने आप में एक कला है। इस कला को आपके अंदर उतारना पड़ेगा, अपने अंदर, तभी वो आएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में आप ये जान लें कि आपको पूरा पैसेज या जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे उतारना नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर और उसके आंसर, नंबर क्वेश्चन नंबर और आंसर, बस इतना ही लिखना है। और फाइनली लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में आप ये करें कि जो आप जानते हैं उसे अपने लैंग्वेज में लिख दें। पर इसमें एक दो चीज़ ध्यान दें, पूरे इंग्लिश पेपर में आप वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जिसका यूसेज आपको नहीं मालूम है कि उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और साथ में यदि उसका स्पेलिंग बिल्कुल नहीं आता तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चलिए ये सब तो हो गया लिखने वगैरह का बात, अब इसमें हमें नंबर कैसे आ सकता है। तो एक चीज़ जानिए कि CBSE हो या कोई और बोर्ड हो, एग्जामिनर जो है किसी बोर्ड के भी रहे, हर कोई चाहता है कि कॉपी आसानी से चेक करें। और अगर ऐसे में आप क्वेश्चन नंबरिंग अगर उल्टा पुल्टा करते हैं तो वो उसे थोड़ा टेंशन दिलाएगा, स्ट्रेस होगा, यहाँ नंबर ज़्यादा मिले चाहिए, हो सकता कम भी कर दें। क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जो 30-35 सवाल आ रहे हैं वो उसे याद ही हो, पर जब कोई चेक करता है तो वो एक क्रम में उसको आदत हो जाता है और धीरे धीरे वो टेंडेंसी बना लेता है कि वो वैसे ही क्वेश्चन पेपर से मिला लिया, बस एक बार हल्का सा देख लिया, चेक करते चले गए। तो आप जो है सीरियल नंबर लिखें, कोई भी आंसर है उसे बस सीरियली आप उसका आंसर देते जाएं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए लीव सम स्पेस। अगर आपको लगता है कि ये स्पेस जो मैंने छोड़ा वो घड़ कम है तो 2-3 लाइन और छोड़ दीजिए, क्या जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए।
एग्जाम में सबसे पहले जो जो क्वेश्चन हमें आते हैं हम उसका आंसर लिखेंगे। वो आंसर लिखने के बाद जब हमारा पूरा पेपर ओवर हो जाएगा फिर हम लोग वापस जाएंगे वैसे क्वेश्चंस की तरफ जिसका आंसर हमने नहीं लिखा था, जिसका आंसर नहीं लिखे थे, फिर हम उससे अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा मत कीजिए कभी कि कोई भी आंसर को बिना लिखे छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि CBSE हो या कोई भी बोर्ड हो, गलती इंसान से ही होती है, तो गलतियां हो जाती हैं। और वैसे केसेस में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इंग्लिश से हूँ तो मैं एक दो चीज़ें और आपको स्पष्ट कर दूँ, क्लियर कर दूँ। इंग्लिश में कभी भी आंसर पॉइंट्स में ना लिखें, जैसे द मेन रीजन बिहाइंड हिज रेस्क्यू वेयर नंबर वन प्रॉपर प्लानिंग, नंबर टू, इस तरह से कभी ना लिखें। वो एक सेंटेंस के रूप में, पैसेज के रूप में, पैराग्राफ के रूप में होने चाहिए। सेकेंडली, इंग्लिश में कभी नंबर न्यूमरल में नहीं होना चाहिए, मतलब सेवन तो बस सेवन बना दिया, ऐसा नहीं। आप उसमें लिखें SEVEN। टेंस को पकड़ बनाएं, टेंस के ऊपर पकड़ बनाएं। तो क्वेश्चन आंसर्स स्पेशली जब आप आंसर करें तो आप क्वेश्चन के टेंस को पकड़िए। अगर क्वेश्चन इस तरह से है, Why did he do that? ये पास्ट टेंस में है, आपको आंसर देना होगा He did that because, और उसके बाद जो भी लिखिएगा वो पास्ट में। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, How does he know? या How do you know? ठीक है, तो I know as I am, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से, हमें बस क्वेश्चन को आंसर देना। हो सके तो आप एक काम करें कि जब हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर करने से पहले हम लोग बीच में एक गैप छोड़ देते हैं, एक लाइन का। वो एक लाइन का जो गैप छोड़ते हैं उससे खूबसूरती तो बढ़ती है, पर उसी जो एक लाइन को हमने छोड़ा है अगर हम वहाँ पर एक बार पेंसिल से अंडरलाइन कर दें तो वो खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो आप इस सब चीज़ों को एक बार करके देखें, और इस सभी चीज़ों में जो सबसे बहुत ज़रूरी है वो है रिवीजन। रिवीजन करने से जो कि मैंने कभी किया था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, आप 5 नंबर मिनिमम किसी भी एग्जामिनेशन में बचा सकते हैं। इसलिए रिवीजन करें और हर पेपर में करें। ज़रूरी नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिया तो वो रिवीजन हो गया, आपको समय मिले आप 2-3 बार पढ़िए। कुछ चीज़ें और हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और उस सब में जो सबसे ऊपर है, सुपर से भी ऊपर, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट का समय मिलता है, और उस 15 मिनट में हम लोग स्ट्रैटेजी प्रेप कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन को कितना नंबर देना है। हम जिस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा नंबर, मतलब किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, कंप्रीहेंशन है, चलिए कितना समय में सॉल्व कर लेना है, उसे देखते हुए हम लोग एक आउटलाइन करते हैं, उसे मार्क करते हैं कि चलिए ये 10 नंबर का है, हमने 30 मिनट लेना है, 30 मिनट में हमें कंप्रीहेंशन सॉल्व कर देना है। अगर वो लिखने वाला है तो चलिए राइटिंग सेशन को हम लोग देंगे, मान लेते हैं 40 मिनट्स। ग्रामर सेक्शन, चलिए उसे भी 20 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट हो गया। अब उसके बाद बचता है 1.5 घंटा, और इस 1.5 घंटे में आपको उधर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए अगर मैं ऐसे करूं, क्योंकि वो 1.5 घंटे में आपको पूरे लिटरेचर सेक्शन का,
OTBA प्लस नॉवल करना है तो आपकी रफ्तार भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी, फ्लुएंसी ये सब मायने रखता है आपके इंग्लिश में, और साथ में कोहेरेंट, जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे ऊपर, क्योंकि CBSE जो है पॉइंट के हिसाब से मार्क करती है, इसमें स्टेप मार्किंग है, और क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो अगर CBSE एक सेंटेंस का 0.5 मार्क्स देती है और चार नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और 8 पॉइंट्स में आपको जो है उसी हिसाब से लिखना है, वो भी सेंटेंस के हिसाब से एक पैराग्राफ में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे सबसे ऊपर, और उसी तरीके से कोहेरेंट होते हुए नीचे धीरे धीरे उसका लेस इम्पॉर्टेंस के हिसाब से जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे उसे हम लोग नीचे लिखते चले जाएंगे, और फाइनली जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसे हम लोग 8th पॉइंट बनाएंगे। तो पॉइंट बनाकर लिखना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ जो है अगर हम लोग SST में करें और साइंस में, तो साइंस और SST में देखिए कहा जाता है कि वहाँ ग्रामेटिकल एरर नहीं चलते जैसे इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर होगा तो इन्वेजिलेट एग्जामिनर जो है अपर एरर हाफ मार्क डिडक्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करें, बोर्ड्स वाले अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो आपका 4 नंबर तो ग्रामर पोर्शन का वहीं पे कंफर्म हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं SST और साइंस पर। तो SST और साइंस में अगर हम लोग थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर को हटा के चले, नेग्लेक्ट करके चले, तो काम बन सकता है। वहाँ तो कंटेंट याद होना ही चाहिए। SST में एक तरफ अगर मैप मार्किंग है तो साइंस में दूसरी तरफ जो है डायग्राम है। तो SST में आपको मैप मार्किंग के ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और साइंस में डायग्राम जो है खूबसूरत बनाने होंगे। उसके बाद वहाँ भी आपको सुंदर हैंडराइटिंग में सब कुछ करना है, पर वहाँ जो आंसर आप लिखेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7 को जो है जिस तरह से हम लोग अल्फा न्यूमरिक जिसे हम लोग कहते हैं मीन्स वर्ड्स में लिख रहे थे, तो यहाँ पे न्यूमरल में लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कहना गलत होगा। आप लिख भी सकते हैं 7 को, आप 7 लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग पॉइंट्स पे मना कर रहे थे, यहाँ आप पॉइंट्स बनाकर और हर पॉइंट्स पर एक एक लाइन लिख दें तो बहुत बढ़िया, इसे सोने पे सुहागा कहा जाएगा, क्योंकि ये सब जो है मार्क्स फेस करने में मदद करता है। एग्जामिनर देखते हैं तो उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पर साइंस में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि साइंस हो या SST हो या कोई सब्जेक्ट हो, अगर आप डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि गिव टू एग्जांपल्स, डिफाइन तो हमने सही कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे आ गया कि व्हाट आर हर्बीवोर्स गिव टू एग्जांपल्स, और अगर हमने लिख दिया कि हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल लायन टाइगर। अब देखिए इसमें क्या है, डेफिनेशन सही, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स, पर एग्जांपल गलत है क्योंकि लायन टाइगर तो हर्बीवोर्स है नहीं। ऐसे कंडीशन में आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आप आंसर मत लिखिए। क्या पूरा आंसर नहीं लिखेंगे? जी नहीं, जो आता है उतना ही सही लिखिए। जैसे मुझे डिफाइन हर्बीवोर्स आता था पर एग्जांपल्स नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा, पर गलत नहीं लिखूंगा। और इसमें भी वही सीरियल नंबर से सारे आंसर्स लिखने हैं, ये तो हर पेपर में फॉलो करना है। ये बात को आप एकदम जिद बना लीजिए कि मैं ऐसे ही लिखूंगा, हैंडराइटिंग सुंदर रहेगी। और बाकी अगर कहीं भूल भी गए तो उसके बारे में सोचना है।
हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल गए, पेट में है, याद नहीं आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, आंखें बंद कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, 10 बार गहरी सांस लीजिए, उसे रोकिए और फिर रिलीज़ कीजिए। और इस बीच आपको करना ये है कि आपको जब क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके बॉडी मूवमेंट्स, ये सब को थोड़ा सा याद करना है। और इसके बाद भी समझ में नहीं आए तब उसका एक ही उपाय है कि जो क्वेश्चन है उसे तोड़िए, जितना तोड़ सकते हैं, वर्ड्स बाय वर्ड्स, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्लोब ग्लोब ग्लोबल ग्लोब, अर्थ वार्मिंग गरम, अर्थ गरम, अर्थ गरम, अर्थ का गरम होना ही ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ कर जो है आपको इसका आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपके आंसर को काट देंगे, नंबर मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि पूरा मिले पर थोड़ा तो मिलेगा। एनीवे मैथ्स में भी इसी सिस्टम को फॉलो करना है, पर मैथ्स में आप याद रखिए कि वहाँ फिगर्स के भी नंबर होते हैं, जो क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है उसी को बना दिया, गिवन टू प्रूव लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा, भले आपका क्वेश्चन गलत क्यों ना हो, सॉल्व गलत क्यों ना किया हो, पर कुछ नंबर मिलेगा, स्टेप मार्किंग है। और एक चीज़ उसमें मैं बताऊंगा, जो नियम है, आप किसी भी फॉर्मूला को ज़रूर लिखें, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके फॉर्मूला को पहले ऊपर में लिखें, बाद में उसका प्रोसेस उसके ऊपर जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सॉल्व करें। यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, दैट इज साइंस एंड मैथ्स में यूनिट बहुत मायने रखता है। अगर 17 किलोमीटर को मैं सिर्फ 17 लिखूं तो पता है मेरा कितना नंबर कट जाएगा, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और हाफ मार्क्स बोर्ड्स में बहुत मायने रखता है। और अगर हम किसी क्वेश्चन को रिपीट कर दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने भी किया था जब मैं पढ़ता था, तो क्वेश्चन अगर हम रिपीट करते हैं तो ये भी जान लें कि यदि मैंने पहली बार सही लिखा, दूसरी बार गलत लिखा तो मेरे पूरे नंबर मिलेंगे, पर यदि मैंने पहली बार गलत लिखा, दूसरी बार सही लिखा तो मुझे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वैसे कंडीशन में जो रिपीट होता है दूसरा आंसर, उसे बिना पढ़े काट देता है। मतलब आपने जो आंसर लिखे हैं सही हो या गलत हो, एग्जामिनर जो पहली बार चेक कर दिया बस वही ऐड होगा। इसलिए आप क्वेश्चन को रिपीट ना करें, और अगर रिपीट कर रहे हैं तो करने के बाद आप जिस आंसर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो सही होगा उसे छोड़कर अगले को क्रॉस कर दें। क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने नंबर्स खुद कट जाएंगे, वो नंबर कट जाएंगे, आप खुद खो देंगे। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं आपसे सवाल करूँगा, यदि क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ और उसके आंसर गलत लिख देता हूँ तो क्या मुझे नंबर मिलेगा? आंसर ही गलत लिख दिया। पूछा हर्बीवोर, व्हाट आर हर्बीवोर, क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन कार्निवोर का, नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 क्वेश्चन है और गलती से हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 स्किप कर गए और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कर दिया और एक लाइन से आंसर लिखते चले गए। पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो सही लिखा था, 2 का आंसर भी सही लिखा, 3 तो लिखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 का आंसर, 5 में 4 का आंसर, 6 में 5 का आंसर, इस तरीके से हम लिखते चले गए। तो वैसे कंडीशन में एग्जामिनर आपके सारे क्वेश्चंस को काट देंगे।
सिर्फ क्वेश्चन नंबर गलत होने के वजह से। इसलिए क्वेश्चन नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवीजन में सिर्फ ये चेक नहीं करना होता है कि क्या मेरा कोई ग्रामेटिकल एरर है, क्या मेरा ड्राइंग में कुछ मिस हो गया, बल्कि ये भी चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या मैंने क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का ठीक जो आंसर होना चाहिए वो हम मैंने सही सही लिखा है कि नहीं। कहीं पे कोई और क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिख दिया, या किसी का आंसर तो दूसरे में नहीं लिख दिया, क्या हमने रिपीट किया है तो क्या जो रिपीटिशन हुआ है क्या उसमें हमने सही वाले को रहने दिया है और जो गलत है उसे क्रॉस आउट किया कि नहीं, क्या जो एम्प्टी स्पेसेस थे जो हमने छोड़ दिए थे कि बाद में अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमने उसमें एक भी सेंटेंस लिखा है कि नहीं। क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि क्वेश्चन गलत हो गए तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, पर यदि आपने छोड़ दिया है तो भूल जाइए कि आपको एक भी नंबर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स अगर मुझे मिलें तो मैं आपको फिर दोबारा ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका जवाब दूंगा। आपको किसी भी तरह का परेशानी हो, कोई भी सवाल हो, काइंडली कमेंट लिखें। मैं आपका फिर से इंतज़ार करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मैं था MM आलम, TGT इंग्लिश, ऑन माय चैनल एजुकेशन मैनिया। थैंक यू।